आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल आपको वीडियो चल रहे चैनल लाइक शेयर कर दे। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स। अच्छा ये प्रशांत की वीडियो है तो देखते हैं क्या मुझे लगता है वो जो कतर ने पेनल्टी दी थी डेथ पेनल्टी वो आई थिंक रिवर्स हो चुकी मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं अपने वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के लिए रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आई है। आपको याद होगा कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक थे, इनको मौत की सजा सुना दी गई थी। ये 8 के 8 लोग बच चुके हैं और पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द ये भारत में भी वापस आ जाएंगे। समझाता हूँ आपको, मगर सबसे पहले वर्ल्ड मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे आपको दिख जाएगा बीबीसी का आर्टिकल, उसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे जो मीडिया है, यूरोपियन मीडिया, इंडियन मीडिया, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि बिग रिलीफ, बड़ी राहत मिली है 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले कतर की कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुना दी थी। उसके बाद हमने देखा है कि भारत सरकार ने बहुत कोशिश करी, कतर से बातचीत करी, डिप्लोमेसी का भी यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ हुआ होगा, और इवेंचुअली हमने देखा है कि कतर की कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है हम डेथ सेंटेंस रिवर्स कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ बड़ा रेयर होता है, बहुत ज़्यादा रेयर होता है, कम देखने को मिलता है कि एक कंट्री में एक कोर्ट पहले डेथ सेंटेंस दे दे फिर उसको ऑल टुगेदर रिवर्स कर दे कुछ ही महीनों में। ये सब बहुत फास्ट हुआ है। और इसमें देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ना खुद इंटरवेंशन करी थी दिसंबर महीने में। अगर मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे, ये मैं अगेन आपको कहूंगा बहुत ज़्यादा एक रेयर चीज़ हम देख रहे हैं। एंड इन अ वे वी शुड फील प्राउड एज इंडियंस कि आज के समय हमारी कंट्री का इतना इन्फ्लुएंस है कि हम लोग अपनी फॉर्मर नेवी के लोगों को बचा सकते हैं इस तरीके से। देखिए 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई कतर के कोर्ट द्वारा एक्स इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को। इसका रीज़न क्या था ये हमको पता ही नहीं आज तक ना, जजमेंट किस बारे में थी, डेथ सेंटेंस क्यों दिया गया था इसके बारे में वर्ल्ड मीडिया को कुछ बताया नहीं गया। हाँ सूत्रों के अनुसार कई मीडिया रिपोर्ट्स ये आई कि कतर ने आरोप लगाया था फॉर्मर इंडियन नेवी के इन ऑफिसर्स का कि ये लोग जासूसी कर रहे थे कतर के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में जिसमें कतर सबमरीन बना रहा है इटली की मदद से। तो ये आरोप इन पे लगा दिया गया, ये कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया, मगर ना भारत ना कतर किसी ने भी इस बात को ऑफिशियली बोला नहीं। उसके बाद देखिए नवंबर 20 आता है, कोर्ट ऑफ अपील हियरिंग होती है, मतलब कि एक अपील करी जाती है कि ये सजा इनको ना दी जाए। और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इस पूरे इशू में इन्वॉल्व हो जाते हैं दिसंबर के महीने में। मेरे हिसाब से ये गेम चेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि दिसंबर महीने की शुरुआत में ना पीएम मोदी पर्सनली मिले थे कतर के अमीर से, अमीर आप कह लीजिए उनके जो मेन लीडर हैं, उनके प्रेसिडेंट आप कह लीजिए, उनसे डायरेक्टली पीएम मोदी मिले थे दुबई में। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी ये ट्वीट, ये 2 दिसंबर की ट्वीट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP28 आपको याद है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ये समिट रिसेंटली हुआ था UAE के शहर दुबई में। और मुझे प्राइमरली याद है कि इस पूरे समिट में ना मेन लोगों का पूरा ध्यान था इटली की प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट पे, जब इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट कर दी थी कि गुड फ्रेंड्स एट COP28 और खूब ये ट्वीट वायरल हुई थी। बट पर्सनली आप मुझसे पूछें आई थिंक ये फोटो थी मेन, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि पीएम मोदी और कतर के एमरिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, क्लियरली लग रहा था यहाँ पर कि दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हैं और किसी चीज़ को लेकर डिफरेंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मनमुटाव है कि कतर गुस्सा इंडिया से या कुछ नहीं, बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं। और पीएम मोदी ने देखिए ये इशू रेज भी किया था 8 एक्स नेवी मैन का, और उसके बाद ना सीधा हमने देखा एक के बाद एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आई हैं। सीधा अगले ही दिन हमने ये देखा कि 3 दिसंबर को भारत के जो अम्बेसडर हैं विपुल, इनको एक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिशियल से मिलने का, तो बातचीत स्टार्ट हो गई। उसके बाद 7 तारीख को हियरिंग हुई और 28 तारीख आते आते साल ख़त्म होने से पहले पहले कतर की कोर्ट ने खुद का जो डिसीजन है ये ओवरटर्न कर दिया। नाउ अगेन मैं फिर से बोलूँगा, मुझे इस सब में बहुत अजीब बात ये लगती है, उन्होंने बताया तक नहीं कि इशू क्या था, मतलब क्यों सजा दी थी मौत की, क्यों ओवरटर्न कर दिया। ये सब देख के मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा मतलब खुशी आप कह लीजिए कि इंडिया रिलेटिवली एक बहुत ज़्यादा फ्री कंट्री है, ट्रांसपेरेंट कंट्री है। आपको पता तो होता है कि हो क्या रहा है, नहीं तो दुनिया में ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आदमी गायब हो जाता है पता भी नहीं लगता कि वो गायब हुआ क्यों था। चाइना के जो फॉर्मर विदेश मंत्री हैं क्विन गैंग, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए, सिटिंग विदेश मंत्री किस तरीके से गायब हो गया रातों रात। तो 28 दिसंबर को सीधा कोर्ट ने अब ओवरटर्न कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, अच्छा ठीक है
ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे रही हो और फिर कहे कि अच्छा हाँ डिसीजन ओवरटर्न, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग आज़ाद हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो अभी देखिए जो सज़ा है ये कम करी गई है और इनको जेल सेंटेंस दी गई है। बट यहाँ पे ना इंडिया और कतर का एक पुराना एग्रीमेंट है, ये एक्टिवेट हो सकता है और ये जो 8 एक्स नेवी ऑफिशल्स हैं ये भारत में वापस लौट सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, साल था 2014, एक्चुअली 2014-2015 के आसपास का ये टाइम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार पीएम बने थे देश के, उस टाइम ना इन्होंने एक ट्रीटी साइन करवाई थी कतर के साथ। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑन द ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स बिटवीन इंडिया एंड कतर। इस ट्रीटी के अंडर क्या प्रावधान है कि अगर कोई कैदी है जिसको सजा मिल चुकी है, सेंटेंस अब अनाउंस हो चुकी है और वो जेल में है इंडिया में और वो बिलोंग करता है कतर को, और या फिर मान लीजिए वो कतर में है बिलोंग करता है इंडिया को, तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं ये प्रिजनर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी उस टाइम, मुझे याद है 2014-15 में इस पर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। मुझे पता नहीं मैंने उस टाइम वीडियो बनाना स्टार्ट किया था नहीं किया था, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं किया था, तो मैंने इस पर कभी यू नो वीडियो बनाई नहीं ना। उस टाइम जियो पॉलिटिक्स में लोगों का इतना इंटरेस्ट था, बट ये क्रिटिकल डील थी और इसी डील के अंडर अब पॉसिबिलिटी ये भी है कल को एक रास्ता निकल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब सीधा ये ट्रीटी एक्टिवेट हो जाएगी, हमारे लोग इंडिया में वापस आ जाएंगे, बट एक रास्ता रेडी है। ठीक है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इसी ट्रीटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स के अंडर जो ये 8 इंडियन नेवी के ऑफिशल्स हैं इन्हें पहले भारत लाया जाए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत में आते ही आज़ाद हो जाएंगे, भारत में भी इनको जेल में रखा जाएगा इनिशियली, इनका केस होगा कोर्ट में, टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली जो भी आप कह लीजिए लीगल रेमेडी वगैरह है ये इनको मिल जाएगी। नाउ कंपैरेटिवली आप अगर सोचें जो कतर में इनके हालात थे उससे ये बहुत ज़रा बेहतर है, क्योंकि कतर में इनको काल कोठरी में रखा गया था, बिल्कुल अलग से प्रिजन में इनको मौत की सजा सुना दी गई थी। आप इमेजिन करिए इनको कितनी टेंशन हुई होगी, इनको तो खैर आइडिया नहीं था, हमको भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से कतर का जो कोर्ट है ये ओवरटर्न कर देगा अपना डिसीजन। तो जिस स्थिति में ये लोग थे, रिलेटिवली एटलीस्ट अपने कंट्री में होंगे, अपना लीगल सिस्टम जो इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ समझ में आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट मैं कहूंगा कि जहां पर ये फंस गए थे रिलेटिवली उससे एक बेहतर जगह पे होंगे। और फाइनली यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, क्वेश्चन यहां पर ये है कि एक स्ट्रेट है। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म, वाह मोदी जी वाह, इसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं कंट्री, चांद असल, चांद मैं कह रहा हूं, इनका असल पूरा नाम जो ना ये भी सुन ले, असल चांद है, कैसे खूब है पहले तो चांद था, अब चेंज कर लो, प्यार से लोग कहते हैं। अच्छा चांद चांद कहते हैं, प्यार भी आप करते हैं। चलें खैर वीडियो की तरफ आप चलते हैं। वीडियो ये थी कि मतलब के ये 8 इंडियन नेवी ऑफिसर को मतलब के जो के डेथ पेनल्टी दी गई थी, मतलब सेंटेंस दिया गया था उनको, मतलब हुक्म जारी हो चुका था अरब की तरफ से, अरब समय कतर है वो भी अरबी मुल्क है, तो वो मतलब के आज रिवर्स वापस आ गए। हाँ जी रिवर्स का मतलब तुम सोए हुए थे वापस किधर आ गए, उनको भाई मुझे पहले ही पता था ये सारी ड्रामेबाजी है कतर की, तो जब ये उन्होंने डेथ सेंटेंस जारी किया था ना, तो मैंने तब भी वीडियो में यही कहा था कि भाई ये कभी भी नहीं होगा, 8 नेवल ऑफिसर्स हैं उनके कोई मामूली सी बात नहीं है, और सामने भी इंडिया है जिनकी ज्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो कतर में, जितना भी 80% मेडिसिन और इसके अलावा और भी खाने पीने की चीजें काफी जो है ना कतर मंगवाता है। मुझे भाई नीचे कमेंट कर रहे थे असलम भाई, वो कहते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं मेडिसिन है, नहीं और भी वो काफी चीजें जितनी भी समय के हूँ और भी खाने पीने की उधर इंडस्ट्री की चीजें हैं, उसके बाद आईटी की चीजें, उसके बाद वर्क फोर्स है, हर शोभा उधर वो पता क्या है था कितने परसेंट इंडियन लोग उधर सिर्फ है, लेकिन भाई इन्फ्लुएंस बोलता है इनका, बोलता। मैंने तब भी वीडियो में यही कहा था कि ये कभी नहीं होगा। असलम भाई असलम भाई पता नहीं थी कि ये काफी दिनों बाद इसी वजह से हम इनको बता देते हैं। असलम भाई ये 8 इंडियन ऑफिसर थे कतर के, आपने सुना भी होगा वीडियो में भी, फिर भी अगर देख रहा था तो उनको पेनल्टी इस वजह से दी गई, मतलब उनको पेनल्टी कह रहा हूँ, उनको सजाए बहुत दी गई थी कतर की तरफ से, इंडियन 8 नेवी ऑफिसर है इस वजह से ये
असल में इंटरनेशनल मीडिया में से कोई बात नहीं, लेकिन कोई अंदरूनी ली कोई बात में कहा कि इनको इसलिए दी गई सजाए मौत क्योंकि ये सब मरीन बांध रहे थे कतर के अंदर और इसकी जो जानकारी लीक इन्होंने की जासूसी की इसराइल के साथ, तो इस वजह से कतर की गवर्नमेंट ने इनको पकड़ कर मतलब सजाए मौत सुना दी। उसके बाद पीएम मोदी साहब जाते हैं कतर का दौरा करते हैं, अमीर के साथ मिलते हैं और ये डेथ सेंटेंस आप देखें वापस क्या कहेंगे सर ये क्या ये पीएम मोदी की ड्रामेबाजी ताकत है दोनों मुल्कों की ये ड्रामेबाजी है मेरे भाई। पहली बात तो ये है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप जो फैसला करने लगते हैं ना उसे हजार बार नहीं दस हजार बार लाख बार भी सोच सकते हैं, दोबारा सोचे बार बार उस फैसले करने उसके पीछे बैकग्राउंड होने वाली नुकसान के बारे में सोचें, सब पहलुओं से देख कर फिर फैसला करें और जब फैसला कर ले तो फिर भाई उस पर डट जाए। वो सलमान खान वाला फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, जब मैं कमिट एक बार कमिटमेंट कर लूं फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। वो वाली बात यार, मैं ये बात कहता हूँ यार, मेरी बात नहीं आप समझ रहे, मैं ये कहता हूँ कि अच्छा बुरा सब नजर से हर तरफ अपनी नजर दौड़ाए फिर कोई फैसला करे, जब आप बात आपकी बात में वजन नहीं ना रहेगा आप अपना फैसला तब्दील करते रहेंगे तो फिर भाई आपके फैसले की कोई नहीं। क्या लगता है ये पीएम मोदी की ताकत में ही है? बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं बात इससे एग्री करता हूँ, इसे ताकत नहीं कहते, इसे कहते हैं सामने वाले को ये चीज बावर कराना कि हम कितने पावरफुल हैं। तो दूसरे मन में ताकत ही है भाई, ठीक है पावरफुल से मुराद ये नहीं कि उनकी फोर्स असल भाई तुमने पकड़ना कौन ही होता है, लेकिन तुम सीधा कौन नहीं पकड़ते ऐसे गलत किया कतर वालों ने, पहले ये गलत किया कि उन्होंने ये बयान जारी किया, बयान कोई जारी उन्होंने सुना मौत सुना दिया सुना दी, ठीक है उससे बढ़कर ये काम कर दिया कि आप उसको वापस ले लिया, कभी ऐसा भी सुना? कोई छोटे से छोटा मुल्क ले लो यार, जिस मुल्क की कोई साख है, अब पाकिस्तान की मिसाल मत दे देना, उसने कभी भी ऐसा कोई फैसला अभी वापस नहीं लिया ना किया कभी, पाकिस्तान का मैंने कहा नाम मत ले लेना, पाकिस्तान का यही वादा खिलाफ मैंने बात क्या किया को समझ नहीं आई, मैं चाहता हूं आराम मत ले मेरी बात सुने, आपका पॉइंट व्यू इसके मुतलक जो भी है आपने बताया, लेकिन मेरा देखें तो मैं ये कहता हूं कि उन दोनों के कंट्री के रिलेशन थे अच्छे और उन्होंने गुजारा भी हो रहा था, अब गुजारा बिल्कुल नहीं क्योंकि जो है ना कतर के सारे जो अद्वियात है उसके अलावा खाने पीने की चीजें इंडिया से जाती है और सस्ते दामों पड़ती है, इसलिए भी हो सकता है, और इंडिया के फिर पावर भी है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है और पांचवी बड़ी इकोनॉमी है और जल्दी चौथी बड़ी बन जाएगा, तो इस तरह हम भी देख लें कि पाकिस्तान या सुपर पावर जो यूएस है उसके साथ अपने तलका भी बिगाड़ना चाहता है, कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहेगा, इसी तरह भाई यू अपना जो इंडिया है वो भी एक किस्म का सुपर पावर ही क्या है मतलब के है, तो इसलिए भी उनकी मैं कहता हूँ कि ये पावर के बिना पर हुआ है, वो मजबूर उन्होंने कर दिया इंडिया वालों ने, एक ही चक्कर लगा है पीएम मोदी का तो सारी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई यार, वाह। दूसरी बात यह है कि मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है, ऐसे भाई आपको यह भी शायद पता है कि नहीं है, उनकी रेटिंग सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, 7.6% किसी चीज में रेटिंग है भाई, वो पॉपुलैरिटी नहीं, यूट्यूब में वो तो पॉपुलैरिटी ग्रोथ रेट क्या हो जाती है, ठीक है उनकी थी तकरीबन मतलब के 75% है, 75 का रेटिंग आप तो भाई वो यूट्यूब पर भी छा गए हैं ऐसे ही है, तो बिल्कुल जब, लेकिन एक चीज है जो मोदी ने चार चार लगाया था ना वो वाकई में शानदार, नहीं मुझे ये बताओ अगर इमरान खान साहब वीडियो पर आते हैं टिकटॉक पर या यूट्यूब पर आते हैं तो ये तमाम मुल्कों वाले कहते हैं कि ये तो टिकटॉकर है, अच्छा मोदी साहब वहां पर आते हैं तो आप कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, ये क्या चक्कर है, उसके 20 मिलियन मेरे ख्याल में उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं 2 करोड़, यार मैं मिलियंस की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये फर्क क्यों है, क्या कौन सा कब किसने क्या है, इमरान खान टिकटॉकर है या ब्लॉगर है, ये बस सुनने में तो आता है कि ये हमारी कंट्री के चले, ये खैर बेस्ट ऑफ लक यार, वेल डन पीएम मोदी की
जो ये भाई भारत का इन्फ्लुएंस था, उनकी ताकत थी कि भाई कतर को अपना जो किया गया फैसला वापस वापस। और ऐसा कभी नहीं होया, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं वीडियो खत्म होते में होने में ये बात कहूंगा कि मेरी बात तो फिर वो इसी ठीक है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले। प्रशांत साहब ने भी सही कहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये पहली मत भाई वो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा जो डेथ सेंटेंस वापस भी इतना जल्दी होता है, होते ही नहीं है ये वाकई। ये भी एक तारीख याद ही रखी जाएगी। मिलता है नई वीडियो में। नाटक साहब तो नीचे जा सकते। अल्लाह हाफिज़।